हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको बहुत सारी ट्रैप्स बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखेंगे अगेंस्ट बुडापेस्ट। दोस्तों, ओपनिंग प्रिपरेशन के लिए बहुत काम में आने वाली चीज़ है बुडापेस्ट। गैम्बिट कई लोग खेलते हैं, तो वाइट से एक बढ़िया ट्रैप है जो मैं आज बताने वाला हूँ। उसके बाद बहुत ही जबरदस्त अटैकिंग ओपनिंग बताने वाला हूँ ट्रॉम्पोस की वेगनियन गैम्बिट। तो ये दो चीज आपको मिलने वाली है आज दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और दोनों ओपनिंग्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने मैं पेश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बुडापेस्ट के गैम्बिट के सामने कैसे खेलते हैं। तो यहाँ पे d4 फर्स्ट मूव व्हाइट खेलता है, d4 ब्लैक रिप्लाई देखता है Nf6, और उसके बाद c4 और यहां e5। ये बुडापेस्ट गैम्बिट खेलने का ब्लैक का स्टाइल है। यहां पे नेचुरल मूव है पॉन टेक्स पॉन, और यही व्हाइट के लिए बेस्ट है। नाइट g4 अटैक ऑन पॉन। अब यहां पे दो मूव है, आपको पॉन को डिफेंड करके अपने पीसेस डेवलप भी करने हैं। तो डिफेंड करके दो ऑप्शन है आपके पास, बिशप f4 और नाइट f3। तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले बिशप f4, नॉट नाइट f3। अगर नाइट f3 किया तो यहां पे बिशप c5 आएगा, जो f2 पे डायरेक्ट डबल अटैक होगा नाइट और बिशप का, और उसके लिए आपको उसका कंपलसरी e3 खेलना पड़ेगा, जो कि व्हाइट के लिए बहुत ही बैड पोजीशन हो जाती है, क्योंकि ये बिशप आउट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले Nf3 से बेटर है आपका बिशप f4। अब नेचुरल मूव है ये पॉन के ऊपर, ब्लैक प्रेशर बनाएगा क्योंकि पॉन दिया है और कुछ ही मूव में वापस लेने का ट्राई है। नाइट c6, हालांकि इसमें पॉन वापस मिल भी जाता है, लेकिन जो मैं आपको ट्रैप बताऊंगा व्हाइट से, बहुत ही ब्रिलियंट मूव है। एक ही मूव आपको चेंज करना है, कौन सा चेंज करना है मैं अभी बताऊंगा आपको। नाइट f3, यहाँ पे आप डिफेंड करते जाओ। अब देखो, एकदम समझने में सिंपल लाइन है, आप अपने पॉन को डिफेंड करते हो और ब्लैक इस पॉन पे अटैक बढ़ाता है। अब यहाँ एक नेचुरल मूव ब्लैक की ओर से होता है बिशप b4 चेक। अब यहाँ आपको बेस्ट ऑप्शन है नाइट d2 और इसके बाद क्वीन e7। अब ये पॉन के ऊपर 1, 2 और 3 अटैक आ गए, दो ही सपोर्ट है। तो ज्यादातर क्वीन e7 के बाद व्हाइट ज्यादातर क्या खेलते हैं, बहुत सारी इसमें ट्रैप हो चुकी है a3। अब a3 में यहाँ पे ब्लैक विल विन द गेम सिंपली, ये ट्रैप बहुत ही जानी मानी है। ब्लैक नाइट टेक्स पॉन आफ्टर a takes b4 देन नाइट f3 चेकमेट नाइट d3। तो ये ट्रैप तो बहुत ही पुरानी है। यहाँ पे a3, मैं सजेशन a3 नहीं करूंगा, एक सरप्राइज मूव आपको बताऊंगा। यहाँ पे a3 के बदले e3 कीजिए, भले ही आपका पॉन जा रहा है। तो नाइट g cross e5 के बाद पहले तो आप एक नाइट को एक्सचेंज कर दीजिए नाइट e5, आफ्टर नाइट टेक्स e5, और यहाँ एक बेस्ट ऑप्शन है सिंपल बिशप e2। बिशप e2 के बाद ब्लैक करेगा शॉर्ट कैसल, और यहाँ पे आपको भी कर देना है शॉर्ट कैसल, और ये कंप्लीटली दोनों की फेवर में गेम है। यहाँ पे नेचुरल मूव ब्लैक की ओर से क्या होना चाहिए दोस्तों, d6। ओके, ये नेचुरल मूव है। अब यहाँ आप वीडियो पॉज करके बेस्ट ऑप्शन देखिए, तो बेस्ट ऑप्शन है नाइट b3। ये एक सरप्राइज मूव है आज की ट्रैप में, ध्यान रखिए। नाइट b3 के बाद आप बिशप का a5 वाला स्क्वायर कंट्रोल करते हो, और नेचुरल मूव जब ब्लैक खेलता है बिशप e6, तो यहाँ हमारी ट्रैप शुरू होती है, क्योंकि इस पॉन के ऊपर नाइट और बिशप दोनों का अटैक करके ब्लैक एक पॉन प्लस होना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ से ब्लैक पॉन पीस डाउन हो जाएगा a3 के बाद। सिंपल नाइट बिशप यहाँ पे c5 फोर्स मूव है, और आप देख सकते हो कि ये पॉन ओवरलोडेड हो चुका है बिशप और नाइट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ सिंपल नाइट टेक्स c5, आफ्टर d takes c5 देन बिशप टेक्स e5, और यहाँ पे सिंपल व्हाइट एक पीस प्लस हो जाता है। दूसरी ट्रैप देखते हैं अब।
दोस्तों अब देखते हैं ट्रोम्पोस की अटैक, वेगनियन गैम्बिट, d4, nf6, देन बिशप g5। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है व्हाइट की ओर से, और मोस्टली यहाँ पे रिप्लाई होता है ब्लैक की ओर से c5, जो आपका काउंटर अटैक में सेंटर ब्रेक करना चाहता है। c5 के बाद यहाँ रिप्लाई देना है d5। अब यहाँ पे ब्लैक की ओर से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है qb6 विद द थ्रेट ऑन b2। अगर यहाँ पे आप क्वीन से सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे कि qc1, तो नाइट टेक्स d5 और यहाँ पे आपका पॉन डाउन हो जाएगा और अटैक भी ब्लैक की ओर से जबरदस्त होता है। यहाँ पे मैं आपको सरप्राइज मूव बताऊंगा, qb6 के बाद बहुत ही ब्रिलियंट मूव है nc3। वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। क्या होता है अगर क्वीन टेक्स b2 करता है, तो मूव आपको बैक लेना है बिशप टू d2। अब नेक्स्ट थ्रेट आपको जबरदस्त दिखेगी यहाँ पे, मानो कि ब्लैक ने g6 कर दिया, तो यहाँ पे सिंपल रुक b1 देन क्वीन a3 फोर्स मूव आफ्टर नाइट b5, ब्लैक विल लॉस सिंपली नाइट टू c7, और उसे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि काउंटर अटैक ऑन दिस क्वीन। तो यहाँ पे ये बहुत ही बैड मूव होगी अगर ब्लैक ने g6 किया तो। चलो दूसरी मूव देखते हैं, ब्लैक की ओर से अगर क्वीन b6 पहले से ही आ जाता है कि आफ्टर क्वीन रुक b1 और क्वीन c7 डिफेंड होता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद व्हाइट का यहाँ पे और भी जबरदस्त अटैक आ रहा है। e4 के बाद e5 की थ्रेट है जो बहुत ही डेंजर है ब्लैक के लिए, तो इसे रोकने का एक ही रास्ता है d6, और d6 के बाद दूसरा अटैकिंग मूव है f4। आफ्टर f4 ब्लैक विल रिप्लाई g6, क्योंकि बिशप को बाहर निकालना जरूरी है। तो g6 के बाद यहाँ खेलेंगे e5, आफ्टर d takes e5, f takes e5 एंड nd7। यहाँ पे शुरू होता है नाइट का काउंटर अटैक, और नाइट के लिए एक ही सही मूव थी nd7। तो nd7 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एन एफ डी सेवन के बाद सिंपल आपको नाइट से उसे सपोर्ट कर देना है। बिशप g7 सिंपल, इस पॉन के ऊपर दूसरा अटैक कोई भी प्लेयर यही लाना चाहेगा, और यहाँ रिप्लाई देना है रुक b1। बहुत ही डेंजर अटैक है व्हाइट की ओर से। आप ये अटैकिंग गेम खेलोगे तो बहुत सारे गेम्स जीतोगे इसमें। क्वीन c7 अगर जाता है ब्लैक, तो नेक्स्ट मूव में आपको d6 करना है। आफ्टर e takes d6, nb5 विथ थ्रेट ऑन क्वीन, और nxd6 की भी थ्रेट है। मानो कि यहाँ पे हम देखते हैं क्वीन c7 अगर नहीं गया, डायरेक्टली क्वीन d8 जाता है। अगर ब्लैक डायरेक्टली क्वीन d8 जाता है कि नाइट का अटैक नहीं आए, तो क्वीन d8 के बारे में आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ e6। e6 के बाद f takes e6, और यहाँ पे ब्रिलियंट मूव nxg5 विद द थ्रेट ऑन nxe6। तो अगर पॉन टेक्स e6 में भी नाइट फोर्क आ रहा है और आपको यहाँ पे बिशप मिल रहा है, क्वीन पे भी अटैक आ रहा है बहुत ही जबरदस्त, तो यहाँ पे बेस्ट रिप्लाई होगा ब्लैक का नाइट f6। आफ्टर नाइट f6 आपको सिंपल bb5 चेक देना है। अब यहाँ चेक में bd7 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि bd7 में भी नाइट टेक्स e6 हो रहा है सिंपल, और फोर्क से आपको पीस मिल जाएगा। तो bd7 या कोई भी पीस इंटरपोज नहीं होता है, तो किंग f8 यहाँ पे हो जाएगी फोर्स मूव। तो किंग f8 के बाद d cross e6 फिर से थ्रेट है नाइट f7 की। ब्लैक रिप्लाई दे रहा है a6 काउंटर, और यहाँ पे बिशप e3 एक सरप्राइज मूव है, जबरदस्त सरप्राइज मूव। अब क्या होता है अगर क्वीन एक्सचेंज होता है, तो जनरली हम सबको बताते हैं कि जब हम अटैक में होते हैं तो पीसेस एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, और खास करके क्वीन तो बिल्कुल नहीं। लेकिन इस लाइन में आप क्वीन एक्सचेंज करने के बाद सिंपल कैसे जीतते हो, तो क्या होता है अगर क्वीन d1 हो गया, तो रुक d1 देन पॉन टेक्स बिशप देन नाइट रुक d8 चेक, नाइट फोर्स मूव है कैसलिंग चेक, बिशप f6 देन सिंपल रुक टेक्स बिशप, और यहां भी पूरी तरह व्हाइट की फेवर में गेम आती है अगर क्वीन एक्सचेंज होता है तो। यहाँ पे हम देखते हैं अगर ब्लैक ने क्वीन एक्सचेंज नहीं किया, तो क्वीन a5 ब्लैक खेल सकता है, एक बेस्ट ऑप्शन, अपनी क्वीन भी नहीं। अब यहाँ देखो व्हाइट के दो दो पीस
अटैक में है, हैंगिंग भी है, पॉन टेक्स भी सब है, यहाँ पे क्वीन टेक्स नाइट है चेक के साथ में, तो इसका रिप्लाई कैसे देंगे? यहाँ पे सिंपल सरप्राइज मूव है कैसलिंग। अब देखिए क्वीन टेक्स सी थ्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन टेक्स सी थ्री में सिंपल मेट इन वन है, नाइट ऑलरेडी पिन है तो किंग के पास कोई जगह नहीं है, तो क्वीन सी थ्री पॉसिबल नहीं है। क्या होता है अगर ए क्रॉस बी फाइव यहाँ पे ब्लैक कैप्चर कर लेता है, ए क्रॉस बी फाइव में सिंपल रुक क्रॉस बी फाइव। अब ये स्क्वायर जो है डेंजर है ब्लैक के लिए, तो क्वीन सी सेवन फोर्स मूव है। आफ्टर क्वीन सी सेवन यहाँ पे आपको खेलना है नाइट डी फाइव। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वीन के पास ब्लैक के पास कितने मूव है, या तो क्वीन ई फाइव या फिर क्वीन डी एट। देखते हैं क्वीन डी एट में क्या होता है। क्वीन डी एट में आपको सिंपल करना है रुक सेक्रीफाइस, आफ्टर बिशप टेक्स रुक देन नाइट एफ सेवन विद द थ्रेट ऑफ क्वीन। अब क्वीन के पास ओनली प्लेस है डी एट और इसके बाद चेक। क्वीन के फिर से अटैक, अगर पॉन टेक्स नाइट ले लिया तो यहाँ पे आपको बिशप चेक देना है, बिशप जी सेवन और उसके बाद क्वीन एफ थ्री चेक, किंग जी एट देन नाइट एफ सिक्स चेक। आफ्टर फोर्स मूव है फोर्क है तो क्वीन बिशप टेक्स और यहाँ पे अनएवॉइडेबल चेकमेट हो जाती है। तो ये पोजिशन में अगर क्वीन डी एट खेलते तो ये पोजीशन आती है। तो क्वीन डी एट के बदले क्या होता है अगर क्वीन ई फाइव खेले तो, जैसे कि क्वीन ई फाइव, तो क्वीन ई फाइव खेलने में क्या होगा, क्वीन ई फाइव में सिंपल बिशप टेक्स सी फाइव, आफ्टर क्वीन टेक्स जी फाइव। आप सोच रहे हो कि नाइट सेक्रीफाइस क्यों हो रहा है, तो कोई बात नहीं, बिशप टेक्स ई सेवन चेक और किंग जी एट और नाइट एफ सिक्स, आफ्टर बिशप टेक्स नाइट देन क्वीन डी एट अनस्टॉपेबल चेकमेट है। यहां पे क्वीन ई फाइव, दोस्तों यहां से हम वापस आते हैं, जैसे कि मानो कि हमने कैसल किया, बाद में ब्लैक ने ए बी फाइव या क्वीन सी थ्री नहीं किया, ये बिशप भी नहीं लिया और आपका नाइट भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया और काउंटर अटैक में h6 कर सकता है यहाँ पे। अब ब्लैक सोचेगा कि व्हाइट के बिशप नाइट और ये नाइट तीनों पीस अटैक में है, तो यहाँ पे ब्लैक को कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे ब्रिलियंट मूव है क्वीन d3। अब आफ्टर पॉन टेक्स नाइट सिंपल क्वीन टेक्स g6 एंड यहाँ पे चेकमेट है, आफ्टर बिशप टेक्स e6 और यहाँ पे क्वीन डी एट चेकमेट, क्योंकि नाइट ऑलरेडी पिन है तो नाइट टेक्स क्वीन नहीं पॉसिबल है। और अगर हम क्वीन डी थ्री खेलते हैं और ब्लैक ने आपका ये सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया और सपोज उसने यहाँ पे किंग जी एट पहले से कर दिया, तो किंग जी एट में आपको सिंपल क्वीन जी सिक्स करना है। यहां भी एच टेक्स जी फाइव पॉसिबल नहीं है क्योंकि एच टेक्स जी फाइव में क्वीन एफ सेवन चेक, आफ्टर किंग एच सेवन देन बिशप डी थ्री चेक, किंग एच सिक्स एंड चेकमेट। तो दोस्तों कैसी रही ये ओपनिंग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, बहुत ही जबरदस्त लाइन है। इसका नाम है ट्रॉम्पोस की अटैक और ये अटैक आप जरूर करना अपने अपोनेंट के सामने। और ये एक सरप्राइज मूव जो है, मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको सरप्राइज मूव, ये ध्यान रखना, उसके बाद खूब ब खूब आपको कंटिन्यूस मूव मिलते रहेंगे। सरप्राइज मूव यहाँ ये है कि बी टू वाला पोन हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पे, आफ्टर क्वीन बी सिक्स सिंपल नाइट सी थ्री। ये देखो ब्लैक का जो टू टर्न है क्वीन बी सिक्स, यहाँ नाइट सी थ्री, ये खेल के आप एक वेटिंग मूव, ध्यान रखना क्वीन टेक्स बी टू में बिशप डी टू और उसके बाद टोटली गेम आपके हाथ में है, व्हाइट के हाथ में, और ये गेम कभी भी आप मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी जबरदस्त ओपनिंग में लेके आऊंगा दोस्तों, और ऐसे ही जबरदस्त डिफरेंट टाइप की ओपनिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।